आज हमने दो ट्रेड किए थे, बहुत ही अच्छे गए। सुबह एक ट्रेड मिला था और उसके बाद में थोड़ा सा काम था मुझे, इसलिए आज लाइव भी नहीं आ पाए। उसके बाद में जब बोला था मैंने मैसेज, मुझे लगा था मैं 12 बजे तक रिटर्न आ जाऊंगा, लेकिन थोड़ा डिले हो गया। तो जैसे ही मुझे आने के बाद ट्रेड दिखा तो मैंने पहले ट्रेड दे दिया, उसके बाद में लाइव आया ताकि ट्रेड छूट ना जाए। तो इसने काफ़ी अच्छा टाइम भी दिया था एंट्री करने के लिए। तो आई होप सबने कल जो लॉस हुआ था हमारा वो रिकवर हो गया होगा सबका। यहाँ पे जब ब्रेक हो रहा था यहाँ पे एक ट्रेड था, लेकिन उस टाइम पे मैं था नहीं, स्क्रीन पे नहीं था, इसलिए वो ट्रेड नहीं पकड़ पाए हम। कल हमने जो होल्ड करने के लिए बोला था वो वाला ट्रेड, जिन्होंने होल्ड किया था उनका एसएल कट गया होगा कल का। यस अनीता जी, 10 पॉइंट्स, 2 लॉट, ओके, 20 पॉइंट्स पकड़ लिया आपने। ठीक है, कल का लॉस तो रिकवर हो गया होगा आपका। आज लाइव नहीं आ पाया सुबह। ये सुबह हमने ये वाला ट्रेड पकड़ा था एक, यहाँ पे ये जो लेवल मैंने मार्क किया था ना, जो एनालिसिस में कल, एनालिसिस में वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि हम कल मूवी देखने गए थे। एनिमल मूवी देखा है कल हमने, ज़बरदस्त मूवी था। ये वाला जब ब्रेक करा था तो मैंने ये वाला ट्रेड दिया था, एक छोटा सा ट्रेड मिला था हमने हमें इस रेंज तक। ये जो मैंने एनालिसिस में 21,000 का जो लेवल बोला था वो टच कर लिया है आज मार्केट ने। आने वाले टाइम में अभी जो ऊपर वाला जो लेवल है ये वाला भी आएगा जल्दी ही। उम्मीद तो है कि जल्दी ये वाला टारगेट आने वाला है अपना। ये जो मैंने मार्क करके रखे हुए थे ये वाले टारगेट तो अपने मिल गए हैं पूरे। तो आज हमने सुबह ये वाला ट्रेड पकड़ा था और सेकंड हाफ में ये वाला एक ट्रेड था, लेकिन ये हम पकड़ नहीं पाए क्योंकि मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था स्क्रीन के सामने। तो जैसे मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखा तो मैंने ये वाला ट्रेड दिया था अभी छोटा सा। हालांकि यहाँ पे 900 पे सपोर्ट था मार्केट का, लेकिन दिख रहा था कि ब्रेक करेगा मार्केट, इसलिए मैंने ये वाला ट्रेड दिया था। और जिसका 850 का ये वाला जो लेवल था उसके पहले मेरे पास ये लेवल था, तो मैंने यहाँ पे बुक करने के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ पे जब आया था मार्केट, ये यहाँ पे मैंने बुक करने के लिए बोला है क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, दिख रहा था कि सपोर्ट ले सकता है, तो मैंने वो बुक करने के लिए बोला था आपको। कहाँ गए सब लोग अभी? नौ सौ पे सपोर्ट ले रहे हैं अभी मार्केट। ये छोटा सा एक ट्रेड था हमने पकड़ा था ये वाला, यहाँ पे मैंने 105 से लेके 108 बाइंग दिया था, यहाँ पे बाइंग दिया था मैंने कहीं पे, तो एकदम बढ़िया तरीके से गया है। 108 से लेके उसने हाई लगभग 139 का हाई मारा है, हाई लगाया है, तो हमने बुक कर लिया है उसको। 138 पे मैंने बुकिंग का बोला था, 108 से लेके 138 तक।
तो लगभग 30 पॉइंट हमें मिल गए हैं ये वाले ट्रेड में। और सुबह अगर देखेंगे, मैं आपको दिखा दूँगा टेलीग्राम पे, अपने ये वाला जो सुबह का ट्रेड था मॉर्निंग में, पहले ही हमें ये वाला ट्रेड मिल गया था, ये लेवल मैंने दिए थे, लेवल सुबह डाले थे जो कि बिल्कुल सही काम किया है लेवल्स ने। ये वाले जो लेवल दिए थे ये कल के लेवल थे, इसलिए वीडियो का जो डेली एनालिसिस का वीडियो होता है मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि यही लेवल कल रेंज में ही मार्केट क्लोज हो गया था। तो ये सुबह हमें एक ट्रेड मिला था 950 का सी, 150 से लेके 152 के रेंज में, एसएल उसका 12 पॉइंट का था, तो हमने उससे 162 सेफ जो प्लेयर है उनको बोला था यहाँ पे बुक कर लो और इसकी जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तो 165 तक गया था वो, 161-166 गया था, 170 सॉरी, 171 गया था, 150 से लेके 150 से लेके 171 तक गया था, जिसने लगभग हमें 21 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया। ये 20 पॉइंट्स पकड़ लो, और ये बाद में 12 बजे मैंने बोला था लाइव का, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद में जब स्क्रीन के सामने आया तो ये वाला ट्रेड हमें मिला था लगभग 1:22 में, 20,950 का पी जो अभी अभी दिया था हमने, बुक कर लिया है, जिसको 105 से लेके 108 का मैंने बाइंग करने के लिए बोला था। ये 95 रुपीज़ का उसका एक्सेल था, ये 1 मिनट के बाद ही एक्टिव हुआ था। तो ये भी मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि 20,900 जो है सपोर्ट है मार्केट के लिए, इसलिए एस एल मेंटेन करने करके चलना है। अगर टूटा तो 850, 20,850 का टारगेट आ सकता है। तो उसने बहुत ही, इसने ये वाला जो ट्रेड था सेकंड वाला हमारा, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है। जब 8 पॉइंट्स रनिंग चल रहे थे उसके बाद में मैंने बोला भी था 122 के ऊपर जाएगा तो फटेगा वो, और जब ब्लास्ट होने की तैयारी में था तो मैंने ये भी मेंशन कर दिया था अभी रेडी टू ब्लास्ट। तो जो मैसेज डाला था मैंने उसके बाद, उसने लगभग हाई लगाया है, 139 का हाई लगाया मैंने, 138 जब चल रहा था तब भी बोल दिया था कि अभी पूरा प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि वहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता था, इसलिए मैंने बुक करने के लिए बोला था। ये भी श्योर शॉट अपना कॉल था, ये पूरे कॉल जो होते हैं वो पूरे एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। तो ग्रुप में मैंने ये भी डाला था, होप सबने प्रॉफिट किया होगा। और उसके बाद में हमने अभी लाइव स्ट्रीम शुरू किया है, तो ये लगभग अभी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वाला जो लाइव किया है वो ट्रेड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किया था। तो ये स्ट्रीम जो है ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला। अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया है अभी, हालांकि प्रीमियम अभी तक जो एसएल दिया था मैंने वो एसएल के पास भी नहीं आया है, अभी बाइंग प्राइस पे ही चल रहा है। ये सेल जो है यहाँ पे बोला था 95 का एसएल लगाने के लिए, लेकिन इसने भी लगभग 30 पॉइंट दे दी है, 30 और सुबह के 20 पॉइंट, तो 50 पॉइंट का दोनों ट्रेड एकदम काफ़ी अच्छे गए हैं, बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया है। फर्स्ट हाफ में अगर देखेंगे बैंक निफ्टी जो है बुलिश मोड में ही था सुबह ओपनिंग से, तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास ये वाला लेवल था, ये उससे पहले थोड़ा सा रिवर्स हो गया है, 47,225 का ये वाला लेवल मैंने मार्क किया हुआ है। ऊपर के साइड में अगर देखेंगे तो आने वाले दिनों में ये वाले टारगेट्स आने वाले हैं अपने, ये
ये 47,225 का ये वाला फर्स्ट टारगेट था, जो कि कल उसने टच करके नीचे आया है मार्केट। और 47,450 का ये सेकंड टारगेट, 47,589.90 का ये थर्ड टारगेट है। उसके बाद अगले नेक्स्ट वीक में ही शायद ये वाले टारगेट आने वाले हैं। और जैसे बैंक निफ्टी के मैंने दिया है, तो वैसे निफ्टी के मैंने दिए हुए हैं जो भी टारगेट्स हैं। तो ये 21,000 का जो टारगेट था, ये भी मैंने मेंशन किया हुआ था शायद 1 दिसंबर को या उससे पहले का जो भी एपिसोड है, जो एपिसोड है उसमें मैंने ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये वाले टारगेट्स आने वाले हैं। तो ये पूरे प्रॉपर अपने जो लेवल्स थे उसी हिसाब से मार्केट ने बिल्कुल टारगेट हमें दिया है। यहाँ से लेके जब भी ये सब जो टारगेट है, ये सब टारगेट प्रॉपरली एग्जैक्ट टारगेट टू टारगेट, लेवल टू लेवल मार्केट चला है। तो ये मैं वीडियो जो है इसके, जहाँ पे मैंने मेंशन किया था जब मार्केट नीचे था, इस रेंज में जब मार्केट चल रहा था, आ गया भाई, हाँ यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था, कौन सा तारीख है, 1 दिसंबर, बराबर मैंने 1 दिसंबर के पहले शायद किसी डेली एनालिसिस वीडियो जो है उसमें मेंशन किए थे ये वाले सब टारगेट। तो जो लेवल मैंने ड्रॉ किए थे, प्रॉपर लेवल अपने आ चुके हैं अभी तक। एनालिसिस एकदम परफेक्टली चला है अपना लेवल के अकॉर्डिंग। तो अभी आने वाले दिनों में ये वाला भी टारगेट हमें मिल सकता है। ये वाले टारगेट तो अपने अचीव हो गए हैं, ये मैंने दिए थे 21,000 तक के जो है वो तो हमें मिल चुके हैं। अभी आगे वाले जो टारगेट है आगे का, ये वाला एक टारगेट अपना बचा है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ये वाला टारगेट आने वाला है। ये हमें देखने मिल सकता है अगले वीक में। तो तैयार हो जाओ आगे ये वाले टारगेट देखने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट लेवल टू लेवल चल रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। आज अगर आप नए हो चैनल पे, अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो स्ट्रीम को लाइक कर देना। और टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मैंने पिन किया हुआ है कमेंट बॉक्स में, तो अपने टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ। और स्क्रीन पे जो QR कोड दिख रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल का है, उससे उसको भी आप मोबाइल से स्कैन करके जुड़ सकते हो। अगर पहली बार अगर आप जुड़े हो इस वीडियो से, तो आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हो, या कमेंट बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वो लिंक को क्लिक करके भी आप ज्वाइन हो सकते हो। उसमें मैं डेली अपना व्यू शेयर करता हूँ, और डेली जो है मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए लेवल्स डालता रहता हूँ। उसके साथ लर्निंग के साथ आपका अर्निंग भी हो जाता है उसमें, लेकिन डिसिप्लिन के साथ में हम चलते हैं, रूल्स प्रॉपर फॉलो करते हैं हम लोग, ASL पूरा मेंटेन करते हैं प्रॉपर। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट अगर सीखना है, कुछ लर्निंग लेना है, लाइव मार्केट में भी अगर लर्निंग लेना है, तो आप जुड़ सकते हो हमसे। स्ट्रीम को लाइक कर देना, जो भी है ना अभी स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, स्ट्रीम को लाइक कर देना। मार्केट ने काफ़ी अच्छा अपसाइड भी रैली दिया है और डाउनसाइड भी रैली दिया है। कल हमारा एक व्यू था ये वाला जो है, एक ट्रेड हमने बुलिश वाला लिया था सेकंड हाफ में। ये शॉर्ट कवरिंग का मुझे जो है मुझे यकीन था कि ये वाला शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए, कल एक्सपायरी ही थी, तो मार्केट ने साइडवेज में जाके क्लोज दिया है। तो
कल ये शॉर्ट कवरिंग आया नहीं, तो आज हल्का सा मार्केट ने गैप अप करके ही इस लेवल को तोड़ दिया था। तो सुबह इस ट्रेड को हमने पकड़ा था मॉर्निंग में, ये वाला एक ही ट्रेड हमें मिला था। उसके बाद में जब मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया यहाँ से, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था लेकिन मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड पकड़ा था यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वाला एक हमारा ट्रेड हो गया है, दो ही ट्रेड हमें मिले आज दिन भर में, तो काफ़ी अच्छे गए। लगभग 50 पॉइंट का गेन हमें हुआ है, जो भी ग्रुप से जुड़े हैं। तो वहाँ पे प्रॉपर एंट्री एग्जिट मैंने बोला हुआ है, कहाँ पे लेना है, कहाँ पे एग्जिट होना है, कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ये प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ग्रुप में। एंट्री एग्जिट भी मैंने प्रॉपर दिया हुआ था, तो जो ग्रुप से जुड़े हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया है इस बात का, इस कॉल का। ये जो दोनों कॉल थे, एक मॉर्निंग वाला और एक सेकंड हाफ वाला जो मिला है हमें ट्रेड, दोनों का बेनिफिट उन्होंने लिया है। ये वाला एक कॉल और ये वाला यहाँ पे एक पुट दिया था मैंने। प्रॉपरली लेवल के साथ होते हैं, बैंक निफ्टी में किया था कि किसी ने? बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव दिया था सुबह सुबह फर्स्ट हाफ में, बाद में प्रॉफिट बुकिंग आया यहाँ से, फिर से रिकवर करने का कोशिश किया था मार्केट ने, यहाँ से बाउंस किया था लेकिन फेल हो गया। हम तो मोस्टली निफ्टी करते हैं। मार्केट अगर देखेंगे, अपना जो एनालिसिस था, ये वाला जो जो रेंज था, अभी भी मेरे पास मार्क किया हुआ है ये वाला रेंज, फिर से देखो वापस यहाँ पे गैप अप खुल के फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर फेल होके यहाँ पे फिर से उसी रेंज में आ गया है मार्केट। इसी रेंज में घूम रहा है अभी तक मार्केट। जो मैंने बोला था हमें बुलिश अगर ट्रेड लेना है तो इस वाले जोन के ऊपर ही हम बुलिश होंगे, तो जब यहाँ से ऊपर निकल रहा था ना, इसीलिए मैंने ये वाला ट्रेड दिया था। अभी रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग जो ग्रुप मेंबर हैं ना अपने, तो क्यों बोला था मैंने यहाँ पे इस हाई के ऊपर ही हम ट्रेड लेंगे बुलिश वाला, तो इसीलिए मैंने ये वाला ट्रेड दिया था ग्रुप में। उसका टारगेट जो था यही तक था, है ना। और जब ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे मैंने ये वाला एक ट्रेड दिया था, तो अभी वापस उसी रेंज में मार्केट आ चुका है। ये जो अपना रेंज है ना, ये मैंने मार्क अभी सुबह मैंने हटा दिया था ये वाला, लेकिन अभी तक उसी रेंज में वापस मार्केट आ चुका है, तो अभी साइडवेज जाने की चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। अभी शायद कोई ट्रेड मिलना मुश्किल है यहाँ से, क्योंकि अभी वापस उसी रेंज में आ गया मार्केट, इस रेंज में, तो यहाँ से मार्केट को कहीं पे जाने नहीं देंगे सेलर्स। अभी इस रेंज में अभी कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ये वाला जो हमारा कल का मार्किंग था, ये वाले लेवल जो है, अगर यहाँ से ये वाला 850 जो इम्पोर्टेंट इसका सपोर्ट होने वाला है, वो सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा तो इसके नीचे वाले ये वाले टारगेट आ सकते हैं, लेकिन जब ये वाला लो ब्रेक करेगा तब तक हम बेरिश नहीं हो सकते मार्केट में। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो ये वाले टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में। और ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर वाले टारगेट भी हमने दिए हुए, तो लेवल के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिटेबल आप बन सकते हो। बैंक निफ्टी भी अभी तक ऊपर नहीं जा पाया। बैंक निफ्टी भी लगभग एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, इस वाले रेंज में, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज है मार्केट का, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है मार्केट बैंक निफ्टी। और निफ्टी भी अपने जो रेंज थी उसी में ट्रेड कर रहा है।
मंडे को ही मार्केट अप में अभी जो होगा देखना पड़ेगा, मार्केट बुलिश रहता है या बेरिश, एक बार डेली में देख लेते हैं कैंडल फॉर्मेशन क्या है अब तक, क्योंकि आज वीकली कैंडल क्लोजिंग मिलेगा हमें, तो डेली में भी अगर देखेंगे तो ये रेंज में ही है, एक ही रेंज में, डेली में भी वही रेंज है, वीकली में अगर देखेंगे तो एक बुलिश कैंडल ही दिख रहा है अभी तक। अभी इसका 3:15 बजे देखना पड़ेगा क्लोजिंग किस तरह से मिलता है हमें वीकली कैंडल का। यहाँ पे मार्केट अगर देखेंगे तो डेली में पॉज ले चुका है, यहाँ पे रेंज बना चुका है, तो इसके ऊपर मैं एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा, वीकली का एनालिसिस जो रहेगा उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, आज ही बना के अपलोड कर दूंगा, ये वाला वीडियो जो है एनालिसिस का वीडियो आज ही बनाऊंगा। कल का एनालिसिस वीडियो नहीं बना पाया मैं, ज़्यादा कुछ था भी नहीं, क्योंकि अपना जो रेंज था उसी रेंज में है मार्केट, सुबह खुला भी उसी रेंज की आसपास ही था, थोड़ा सा हल्का सा गैप अप होके, और जब ये कल का डे हाई क्रॉस कर रहा था तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था जो हमने पकड़ा है, ये वाला ट्रेड, लेकिन फिर से मार्केट ने बुलिश दिखा के फिर बेरिश में क्लोजिंग दे रहा है इंट्रा डे में, जो कि हमारा ये इंट्रा डे वाला रेंज था उसी के अंदर ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, और उसी के अंदर ही है अभी। अभी देखते हैं डे का क्लोजिंग कैसे मिलता है, और उसके साथ में इंटरेस्टिंग रहेगा वीकली भी हमें किस तरह से क्लोजिंग मिल रही है। लाइव आने का रीज़न यही था कि ये वाला जो सुबह का और मैंने जो अभी वाला ट्रेड दिया था उसको ये एक्सप्लेन करना था, उसीलिए लाइव आया था। अभी तो 2:30 बज चुके हैं, अभी अभी कुछ कुछ ट्रेड तो शायद मिलेगा नहीं, तो स्ट्रीम को यहीं पे एंड कर देते हैं। स्ट्रीम को लाइक कर देना जो भी है अभी ऑनलाइन स्ट्रीम से जुड़ा है, स्ट्रीम को लाइक कर देना एक बार, तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ये स्ट्रीम का भी, तो जो नहीं देख पाए ट्रेड मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें, वो जो नहीं देख पाए वो भी देख सकते हैं इसमें। आज के लिए इतना ही था, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।